देखिए फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, पहले मैं प्लेट्स के बारे में बता दूं। प्लेट टेक्टोनिक है क्या? प्लेट टेक्टोनिक, जैसे कि अगर मान लीजिए पूरी की पूरी अर्थ है, ठीक है, आपको पता है यहां नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा यूरोप है और इसके साथ लगा हुआ है इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका, मतलब सपोज है थोड़ा बहुत रफी बनाया मैं, ठीक है। सो आपको पता है कि जो हमारी धरती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अर्थ, वो ऊपर से क्रस्ट से ढकी हुई है। अगर आप अर्थ को इस तरह माने, इसको इतना बड़े पर तो नहीं दिखाया जा सकता, इसको छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड, प्लेट टेक्टोनिक समझने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि प्लेट्स, प्लेट बाद में समझेगा, पहले यह समझ ले कि क्रस्ट क्या है, धरती का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे अर्थ वो समझ जाएंगे तब प्लेट टेक्टोनिक समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिख रही, ये मान लो कि धरती का टुकड़ा है, मैंने हटा दिया, ये जो सबसे ऊपरी लेयर है इसको क्रस्ट कहते हैं, आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। नहीं, क्रस्ट मतलब बेटा वो हिस्सा जो धरती का ऊपर का, ये जो आपको सड़क और मिट्टी दिख रही है, इसको अगर आप खोद करके जाओगे, जमीन के अंदर ड्रिल करते हो, तो ये 16 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक मोटा है, कहीं कहीं 16 किलोमीटर है और कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक देखा गया है और मिनिमम 16 किलोमीटर के बाद भी क्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ये 16 से लेके 200 किलोमीटर तक मोटा हमारा क्रस्ट है। पहला नंबर जो है ये वाला, ये है क्रस्ट, जिसको हिंदी में ऊपर पट्टी या ऊपरी सतह कहते हैं। ये है पूरा का पूरा सॉलिड, ये है सॉलिड। अब एक बात और बता दें कि जो हमारा जो अर्थ है उस पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशियंस भी हैं। अगर आप देख लीजिए, हम ये अर्थ माने हैं तो अर्थ पे आपको पता है ना कि 71% तो केवल वाटर है, 29% ही लैंड है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट है, लैंड का हिस्सा है, उसके नीचे जो क्रस्ट है ज्यादा मोटा है, लेकिन जो समुद्र है, जहां जहां ओशियन है, जैसे मान लो इधर दोनों साइड पैसिफिक ओशियन, इधर नीचे अंटार्कटिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन, बीच में अटलांटिक ओशियन, आपको पता है, और नीचे इंडियन ओशियन, इस तरह से वर्ल्ड मैप पे याद ही होगा आप लोग। ओशियंस के नीचे जो पानी है उसके नीचे सतह मिट्टी होगी ना, तो वो जो हिस्सा है वहां पर क्रस्ट पतली है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट के ऊपर है ज्यादा मोटी। इस क्रस्ट के नीचे अगर आप जाएंगे, क्रस्ट के नीचे, तो दूसरा जो लेयर है वो है मेंटल, और तीसरा और चौथा। अब ये जो बिल्कुल ये तीसरा और ये चौथा, हम यहां रहते हैं बेटे, अंदर थोड़ी रहते हैं, कोई अंदर थोड़ी है क्या, बिल्कुल हम लोग इसमें रहते हैं। अगर आप मिट्टी खोद के अंदर जाओगे तब अंदर हो गया ना, हम लोग क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, ये ऊपरी यहां पर है, आपने आपकी कुर्सी यहां लगी है क्रस्ट पर, इस लेयर के ऊपर, समझ रहे। अब देखो, जैसे ही अभी आप कहीं पर भी अर्थ पर, अगर पहाड़ को छोड़ दें, अगर फील्ड प्लेन वाले इलाके में, जैसे ये कंझावले में, किसी खेत में खुदाई करना स्टार्ट करेंगे, तो करते करते कुछ फुट तक पहले मिट्टी मिलेगी, वो मिट्टी के नीचे जैसे जाएंगे तो रॉक मिलना स्टार्ट होगा, पत्थर मिलने स्टार्ट होते हैं, फिर रेत मिलेगा, फिर बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, और एक बार ऐसा आएगा कि उसके नीचे बिल्कुल केवल पत्थर की लेयर ही होगी, यही हमारा क्रस्ट है। आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा 8th क्लास में, और नहीं पढ़ा होगा तो ये देखना, मृदा परिच्छेदिका, हाँ जी,
टॉप सॉइल बिल्कुल बेटा, ये जो है हमारे सबसे ऊपर मिट्टी का इलाका, इसको कहते हैं टॉप सॉइल। आप अभी खेत में जाएंगे और ये जो मिट्टी दिख रही है, जो हम लोग सावधान जाते हैं देखते हैं, ये टॉप सॉइल है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। इसके नीचे है दूसरा नंबर सब सॉइल। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहां पर रेत मिलेगा आपको, डस्ट, जो रेत होता है ना, आपने जैसे बोरिंग करेंगे ना, कभी बोरिंग करवाएंगे, जैसे बोरिंग कराए जाते हैं खेतों में, तो पहले तो केवल मिट्टी आएगा कीचड़ की तरह, उसके बाद डस्ट रेत आने लगता है। रेत के बाद क्या होगा, नीचे और अगर खुदाई करेंगे तो बोल्डर, मतलब छोटे छोटे साइज के जो पत्थर होते हैं वो मिलेंगे, और सबसे नीचे जाएंगे तो बेड रॉक उसको कहा जाता है। बेड मतलब कि बिल्कुल एक प्लेट जैसी पूरी कर चट्टानी चट्टान, ठीक है, ये पूरा मिट्टी का ये नीचे क्रस्ट तक इसी तरह। तो ये जो मेंटल है, मेंटल की एक खासियत है क्रस्ट से लगा हुआ, मतलब ये ऊपर वाली सतह से जो लगा हुआ, ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो है सॉलिड, लेकिन नीचे वाला जो इलाका है ना, जो ये बेटा थर्ड नंबर कोर, और सबसे नीचे वाला ये आउटर कोर, सॉरी आउटर नहीं, बाहरी, और ये इनर कोर। आपने आलू देखा होगा जब बॉयल करते हैं हम लोग, जैसे ही कुकर में से या बर्तन में से बाहर निकालेंगे तो गर्म रहता है। हमारा अर्थ जो बना है, जो बिग बैंग हुआ तो बहुत सारे टुकड़े थे हमारे सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा टुकड़ा सन हो गया, और छोटे छोटे टुकड़े जो उससे छोटे थे, 8 प्लैनेट्स बन गए, यही अभी तक साइंस सब लोग जानते हैं। अर्थ भी एक जलते हुए आग का गोला ही था पहले, जैसे सन है, ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ था, सन के पास, वो स्टार है, तो वहां से टुकड़ा ही हट गया। अब वहां से मान लो कि भट्टी में से लोहा अब जल रहा है, लाल हुआ है, और उसमें भट्टी में से अगर लोहा निकाल लेंगे तो धीरे धीरे तो ठंडा होगा ही ना। तो आप अर्थ को एक पोटैटो या आलू की तरह समझ सकते हैं। आलू जब बॉयल करते हैं तो बेशक ऊपर से कितने भी ठंडे पानी में क्यों ना डाल दो, थोड़ी देर में भी, थोड़ी देर ऊपर तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर आलू स्मैश करेंगे तो अंदर गर्माहट बनी ही रहती। तो ये अंदर अभी भी अर्थ के, अगर आप यहां से जहां पर खड़े हो वहां से अगर ड्रिल करना स्टार्ट करो, तो ये बेटा अगर 6400 किलोमीटर की गहराई तक अगर आप जाते हैं इस पॉइंट तक, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ एक गेंद की तरह है, बॉल के जैसे, आप अगर उसमें बीचों बीच या आप नींबू मिर्ची का वो जैसे लोग बनाते हैं माला, तो सुई डालते हैं ना नींबू में, तो सेंटर में बीचों बीच डालते हैं, तो जो सेंटर है वो 6400 किलोमीटर की गहराई में। यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कोर वाले इलाके में, ये जो इलाका है मैं अब तीनों करके बता दूंगा। जो हमारा क्रस्ट है ये ठोस है, यहाँ किसी भी तरह की चीज की गर्माहट नहीं है। कोर से सॉलिड से मतलब क्रस्ट से जैसे नीचे जाएंगे तो मेंटल में जाएंगे। मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, बाहर वाला है, वो तो है ठोस, लेकिन जो नीचे वाला है वो है लिक्विड की तरह, मतलब जेली की तरह। इतना ज्यादा अंदर टेम्परेचर होता है कि चट्टान या पत्थर भी पिघल करके बिल्कुल जेली की तरह बन जाता है, सेमी सॉलिड, मतलब आधा सॉलिड के जैसा। मेंटल ध्यान रखिएगा, और क्रस्ट, क्रस्ट सॉलिड है और मेंटल सेमी सॉलिड, मतलब कि पूरा सॉलिड भी नहीं है, आधा सॉलिड है और आधा लिक्विड की तरह है, थोड़ा गाढ़ा। और जैसे ये जो थर्ड नंबर आप देख रहे हो, ये आउटर कोर, यहाँ पे चट्टान पानी की तरह बहते हैं, लिक्विड की तरह, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। हाँ बिल्कुल। और ये जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है ये है ठोस, जो कोर है ये आयरन का बना हुआ माना जाता है, हैवी मेटल्स। चलो, तो आपने जी थर्ड और फोर्थ दोनों टेम्परेचर बेटे आप मान के चलो, टू से 300 डिग्री क्या होता है बेटे, लोहा पिघलता है, पागल है। ये लगभग आपको 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब का, दोनों से ज्यादा भी होगा, एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग जहां तक अनुमान लगाते हैं, एजम्पशन करते हैं कि 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस होगा।
पागल हो सेंटर में यहाँ नहीं जा सकते वो पॉसिबल नहीं है मैं बताऊंगा तो कुछ ये समझ में आ गया क्रस्ट मेंटल कोर ये समझ में आ गया आज किसी को चलो ज्वाइन क्यों नहीं किया मैंने ग्रुप पे लिंक भेज रखा है ना ना हमने भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बस फीस आती रहनी चाहिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बंद क्यों चलिए देख अब हम आपको जिस काम के लिए इतना ये बताया कि सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु दशरथ के पुत्र थे ये सारी राम कहानी बताई अब मेन कहानी पे आते रावण मारा कैसे प्लेट टेक्टोनिक आपको मैंने क्रस्ट समझा दिया क्रस्ट समझ में आ गया विधि तू भी ध्यान से सुना तेरा भी चैप्टर है जो क्रस्ट है ये बना रहे तो अच्छे से बना रहे हैं आओ तुमसे बना रहे ये अब इस अर्थ को मैंने 6-7 टुकड़े टुकड़े में बांट दिए ये जो मैं बना रहा हूं ना ये मान लो कि ये टुकड़े हैं एक ये टुकड़ा हो गया एक ये टुकड़ा ऐसे बहुत सारे हैं सात हो गए मैं बना नहीं रहा साथ बस दिखा रहा हूं आपको सात वाला बाद में बात करेंगे ठीक है 6-7 टुकड़े हैं 7 बड़े टुकड़े हैं क्रस्ट के जो हमारा धरती का ऊपर जिस पे हम लोग रहते हैं इसके 7 बड़े बड़े टुकड़े जिनको कि हम लोगों ने प्लेट्स कहा है ठीक है अब होता क्या है कोई भी चीज सॉलिड चीज के तैरने के लिए पहला कंडीशन है कि कोई ना कोई नीचे लिक्विड जरूर होना चाहिए वो चीज तैरेगी किस पे लिक्विड पे ही तैरेगी ठीक है तो जो हमारा क्रस्ट है वो टुकड़ों में बटा हुआ है टूटा हुआ है ठीक है लेकिन टुकड़ों में टूटने का मतलब जो दो टुकड़े हैं वो बहुत ही आसपास है समझ रहे ना अब ये दो मान लीजिए मेरे हाथ दो अलग अलग हिस्से में है तो ये प्लेट से अगर टूट गए तो बस बिल्कुल यहीं पर है ये नहीं कि एक यहां और एक यहां चला गया इतनी दूरी नहीं है सब बहुत नजदीक ही तो हमारे अर्थ का पूरा क्रस्ट टुकड़ों में बटा हुआ है और हर एक टुकड़े को प्लेट करते हैं ठीक है अब प्लेट 3 तरह के होते हैं ठीक है प्लेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं और कैसे होते हैं वो देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपको बता दूं ये सेकंड कंडीशन अरे थर्ड कंडीशन मैं नेम भी लिख देता हूं तीन तरह के प्लेट्स अभी हमारे वैज्ञानिकों ने हम लोगों को बताया जहां तक उनकी नॉलेज है पहला होता है कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट में क्या होता है जो हमारे क्रस्ट का जो दो टुकड़ा है दो प्लेट है आमने सामने कोलाइड करता है टक्कर होती है देख रहे हैं ना ये प्लेट भी इधर आ रही है ये प्लेट भी आमने सामने टक्कर होती है इस तरह के प्लेट को कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं अभी पहले मैं प्लेट बता दूं फिर बताऊंगा कि क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है धरती पे कहां कहां है ये प्लेट और किस तरह काम करता है दूसरा है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट में क्या होता है दो प्लेट मतलब हमारे क्रस्ट के दो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दाएं जा रहा है तो एक बाएं जा रहा है और ट्रांसफॉर्म प्लेट वो होता है जो ऊपर नीचे आमने सामने खिसकते रहते हैं एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा एक नीचे ऊपर इस तरह से मूवमेंट होता है हाँ बिल्कुल नॉर्थ साउथ की तरह कर सकते हैं
ये तीन तरह का होता है। हमारे प्लेट टेक्टोनिक में मैं आपको दो तीन चीजें समझा देता हूं। देखिए, जब दो प्लेट आपस में टकराती, दो प्लेट मतलब कि कन्वर्जन प्लेट की बात हो रही, आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे ये देखिए, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट है, ये मान लीजिए बीच में एक क्रैक है, अलग अलग है, और ये जब आपस में टकराएंगे, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, जो बाउंड्री होगी या जहां पे इसका जो ये क्रैक पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट होगा, उसके बीच वाले हिस्से पे दबाव पड़ेगा, जोर पड़ेगा, और वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा या उसमें फोल्ड पड़ जाएगा। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इतने छोटे कॉन्सेप्ट से हिमालय माउंटेन पूरा बन गया। मैं भी बताऊंगा क्या हिमालय माउंटेन इसी तरह बना, मैं बताऊंगा डीपली अभी इसको। तो जब कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, हमारे जहां आज हिमालय है वो इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पे है, और दोनों प्लेट के टकराने के चलते बीच की जमीन के ऊपर उठने से हिमालय बना था। अभी उसको वही केवल मेरे को समझा। डाइवर्जेंट बाउंड्री वो होती है प्लेट की जब दो प्लेट दोनों तरफ जाएगी। अब आप एक बात सोचिए, अगर क्रस्ट हट जाए, समझ रहे ना, क्रस्ट अगर हट जाए तो नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, मेंटल है, और पता है मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। धरती पर जो भी ज्वालामुखी ऊपर से आती है, वोल्केनो जो आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो उस मेंटल से ही लावा बन के ऊपर आता है, चट्टानों का पिघला हुआ हिस्सा, क्रस्ट, धूल और जो भी गैसेस होती है सारे प्रेशर के साथ ऊपर आते हैं। तो जहां पर भी ऐसा है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे ही मैक्सिमम वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच है और पैसिफिक ओशियन में भी ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे हिस्से में, अर्थ के पूरे हिस्से में। वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसको भी नहीं बताएंगे। अब हम आपको, और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से भी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। पूरा का पूरा अर्थ का एक हिस्सा है ना, खिसक करके नीचे चला जाता है, समझ रहे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जो हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है, आपने इंडिया के मैप में इस तरह देखा होगा, हमारा इंडिया ऊपर ऐसे है ना, तो यहां से यहां तक जो वेस्टर्न घाट हमारा, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण ही, ट्रांसफॉर्म प्लेट के कारण है। ऐसे खिसकने के चलते पूरा ये नीचे जमीन खिसक गया, जिससे कि पूरा अरेबियन सी आपको दिख रहा है और ये पूरे के पूरे माउंटेन रेंज खड़े आपको दिख रहे हैं। वेस्टर्न घाट जो हमारा पश्चिमी घाट है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। अब हम लोग हिमालय की बात करते हैं। मैं खुद भी समझता हूं ना कि एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट बनना बेटा बहुत मुश्किल है, ये चीज ही बहुत बोरिंग है। अगर आप लोग अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं पढ़ाई से, इसका मतलब कि भगवान का आशीर्वाद है। आपको पता है वो प्लेट से बनाना, कौन से प्लेट, ये सात प्लेट, सातों प्लेट है बेटा, कम से कम मेरे को आधे घंटे का टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम लगा यार, पूरा वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन देखना पड़ेगा, सब लगाएगा, थोड़ी तुरंत हो जाएगा, खींच दिया। आपको वर्ल्ड मैप नहीं बनाना, वर्ल्ड मैप आधा इधर बनाना और आधा इधर बनाना, पैसिफिक ओशन पूरा दिखाना है, मैं तो पैसिफिक ओशन के अंदर तो प्लेट्स है ना। चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरे को अपना सिलेबस करा ले लो पहले। साढ़े सात से साढ़े नौ, उसके बाद बात। देखिए, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के सारे प्लेट्स अगर दिखाऊं तो आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। तुम जिद बहुत करते हो, चलो
तुम्हारी इच्छा क्या आज नहीं होना सारा आज बीच में भी बना लो यार चुप रहा जब हमने कहा मुंह बंद मतलब कि मुंह बंद कुछ सोच के बनाया हूं ना पागल थोड़ी नहीं इस तरह बनाया चलो भाई तुम्हारी इच्छा अगर तुम चाह रहे हो कि सर्दी यही बता है सर्दी यही बता है जो मैं पूरा वर्ल्ड में बनाना सीख गया था और ये वर्ल्ड में पता है मैंने कैसे बनाना सीखा लेकिन कोई एक दो मैप तो कोई बना लेगा पूरी दुनिया का बना के दिखा तो जाने नहीं होते हैं लड़के जिसको कुछ नहीं आता ना वो चैलेंज बड़े बड़े ठोकते हैं लेकिन अगले हफ्ते तू मिली है मेरे से होटल में मैंने तेरे बेंच को बना के दिखाऊंगा जहाँ बैठता था उसके टेस्ट पे बनाया था कॉलेज अभी मैं जहाँ इस कॉलेज से था ना हर बेंच पे जहाँ थे ना किसी में अफ्रीका का किसी में ऑस्ट्रेलिया का और उसमें तो प्रैक्टिस ही बहुत जबरदस्त वो नहीं होता है वो क्या करते हैं उसको प्रकाल प्रकाल और क्या तभी ना लंबे समय तक समय था पागल था जल्दी में ज्यादा काम होता है ठीक है बता दो पता चलता तो बेटे ये जो एशिया का इधर का आपको हिस्सा दिख रहा है ना इधर वाला अब जो बेटा मैप को आप जोड़ेंगे तो एशिया का वो कॉर्नर इससे मिलेगा ना ये बेरिंग सागर है बेरिंग से ये पूरा एशिया बस में Thank you.
चलिए मैं अब आपको शायद जल्दी कर दीजिए बीच में से लाइन नहीं जाती यहाँ पे अभी बेटा दो मिनट लग दो एक बार नेम लिख नॉर्थ अमेरिका प्लेट है ना पूरा ये कॉन्टिनेंट है ये पूरा एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट देश है देश का क्या करना है हम तो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे देखिए दिख रहा है आपको पैसिफिक प्लेट दिख रहा है नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन अंटार्कटिक प्लेट अफ्रीकन इंडो यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अब देखिए मतलब कि ये जमीन का जो इतना बड़ा टुकड़ा है ना इसमें अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है इसमें पैसिफिक ओशियन का और साउथ अमेरिका ये सारा का सारा जमीन के एक टुकड़े पे माने कि क्रस्ट के टुकड़े पे समझ में आ रहा है आपको ये जो ऊपर वाला है आपको दिख रहा है यहाँ पर भी ये बाउंड्री है इसमें ये जो इसके बीच में ये जो हिस्सा दिख रहा है ये अटलांटिक ओशियन का ये आर्कटिक ओशियन का थोड़ा सा इलाका थोड़ा सा पैसिफिक ओशियन का और पूरा नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट माना जाता है समुद्र का इलाका हो चाहे कॉन्टिनेंट का ये एक प्लेट है धरती का एक टुकड़ा है जिसमें थोड़ा पानी भी है और थोड़ा लैंड भी है और ये बीच में क्रैक है ये अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच ये है ना लाइन फॉल्ट लाइन जाती है जो कि ये ऊपर वाला जो दिख रहा है एशिया यूरोप को मिला दे तो यूरेशियन प्लेट हो जाता है ये अफ्रीकन प्लेट है पूरा का पूरा यहाँ पे ये यहाँ से भारत में देख रहे हैं ये जहां हिमालय वहां से कट जाता है और ये यहाँ तक है पूरा इंडो यूरेशियन ऑस्ट्रेलियन मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है दिख रहा है आपको
ये नीचे वाला अंटार्कटिकन प्लेट है, मतलब पूरा अंटार्कटिका का हिस्सा जो बच जाता है वो अंटार्कटिकन प्लेट। इस तरह से ये दुनिया के सात बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मतलब इन जगहों से धरती क्रैक है, ठीक है, इन जगहों पे धरती क्रैक है, यहाँ पे धरती का क्रैक है। अब ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे में टक्कर होती है, ये भी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट से हमारी पूरी धरती इसी, अब तो जाना पड़ेगा, तो हमारी पूरी धरती इन सात टुकड़ों में टूटी हुई मेजर। अब इनके अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े, अगर इनको सब पार्ट कर दें कुछ कुछ तो है, जो भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या फायदा बता देगा जब तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। तो ये आपको दिख रहा है, ये तो कल मैंने आपको बताने के लिए बता दिया कि इस तरह से। अब आपने एक बार रिंग ऑफ फायर के बारे में बात की, ये जो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये हिस्सा जो एशिया और एशिया से जो बाउंड्री लगती है, मतलब वहां पर जो बाउंड्री लग रही है जापान उपान वाले, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निपेटी। मतलब कि यहां पे ना हमेशा समुद्र के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, बार बार ज्वालामुखी बाहर आती रहती है। ये ऊपर से लेके एकदम रशिया से लेकर के नीचे और क्या नाम है इसका, न्यूजीलैंड तक, यहां तक पूरा का पूरा नॉर्थ से धरती के नॉर्थ से साउथ तक, न्यूजीलैंड यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, जरूरत नहीं घुमाने की, वो हमारी ज्योग्राफी के लिए इरेलेवेंट है, क्यों बताना उसके बारे में स्विट्जरलैंड के बारे में, अप्रासंगिक नॉन इम्पोर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका, स्विट्जरलैंड का लड्डू है बना दिया ना वहां पर, वो स्विट्जरलैंड का ग्रीनलैंड। अरे यार ये तो मैंने गूगल समझ लिया, आइसलैंड है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा सारे टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह धरती पे, ठीक। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिमालय कैसे बना। यहाँ नीचे जो आपको दिख रहा है ये है इंडियन प्लेट, इसके नीचे इस लाइन के जो नीचे वो इंडियन प्लेट है, और इस लाइन के ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट, और ये एक कन्वर्जेंट प्लेट है, बाउंड्री, मतलब इंडियन प्लेट ऊपर जाती है और वो प्लेट नीचे आती है, दोनों आपस में टक्कर होती है, और ये टक्कर जहां होती है उसके बीच में ही क्या है, पूरा का पूरा हिमालय माउंट है। अभी हिमालय कैसे बना, जहां अभी हिमालय है आज से करोड़ों साल पहले क्या था, तो वहां पे टेठीज नाम का एक कम गहरा सागर था। जो कम गहरे सागर होते हैं ना, उसको जियोलॉजी में मतलब भूगर्भ विज्ञान में हम लोग भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नत, टेठीज नाम का था। तो इंडियन प्लेट ऊपर मुख कर रही थी, यूरेशियन प्लेट नीचे, और बीच में जो ये टेठीज था, तो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर भी नदी झरने सारे थे, और इस पे भी रिवर्स बह के जाती थी, तो नदी कहाँ जाके गिरेगी, समुद्र में, तो आसपास में ये सागर था, इसी में दोनों नदियां आकर के, दोनों तरफ से नदियां आकर के मलबा अपना सेडिमेंट डालते रहती थी, बिछाते रहते। बार बार सेडिमेंट के गिरने से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था ना, वो ज्यादा से ज्यादा भरने लगा, और जिससे कि गहराई कम होने लगी, कोई नदी कोई पानी का जगह, उसमें बार बार मिट्टी डालेंगे तो गहराई तो कम हो ही जाएगी। तो गहराई कम होने से जब दोनों तरफ से प्लेट्स का जब दबाव पड़ा, तो वो जो सेडिमेंट था उसी पे दबाव पड़ने से ये पूरा का पूरा इलाका इस तरह से ऊंचा हो गया, और जो कि हिमालयन एक क्या कहते हैं वलित मोड़दार पर्वत या फोल्ड माउंटेन जिसको कहते हैं, वो माउंटेन बन गया। ये दुनिया का सबसे यंग माउंटेन माना जाता है, हमारा हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, लेकिन सबसे यंग माउंटेन माना जाता है। ये अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट हमेशा होते रहती है दुनिया में, और जगह तो भूकंप के लिए है ही, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया का ये जो पूरा इलाका है, ये वाला ये पूरा डेंजरस भूकंप जोन में आता है, डेंजर भूकंप जोन, मतलब यहाँ पे हमें कभी भी भूकंप आ सकता है, और ऐसा भूकंप जो सब कुछ तहस नहस करते हैं।
जी बिहार में भूकंप तो आते रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत भयंकर भी आते हैं, खतरनाक भी आते हैं। जो इंडिया में डेक्कन प्लेटू है ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है पराठे की तरह, ये है आपका डेक्कन प्लेट। इसमें बेटा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का इलाका, थोड़ा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये थोड़ा मैंने थोड़ा पतला बना दिया, और भी सटेगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का इलाका, ओडिशा के भी कुछ इलाके, ये पूरे के पूरे डेक्कन प्लेट है। और ये आपका थोड़ा झारखंड का भी हिस्सा, इसमें नहीं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डेजर्ट भी है वो, मैंने डेजर्ट मतलब की बहुत ज्यादा सूखा जगह भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो पूरी धरती थी, आखिर जैसे कि आपने पूछा, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि वहां भूकंप क्यों नहीं आता, यहाँ भूकंप क्यों आता। हमारी करोड़ों साल पहले जब धरती थी तो उसमें एक ही बहुत बड़ा लैंड था जिसको कि पैंजिया का, और इसके चारों तरफ जो सागर था उसको कहा जाता था पैंथलासा। बहुत दिन बाद क्या हुआ कि पैंजिया में टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये 6-7 टुकड़े जो भी आपको दिखते हैं टुकड़ों में बदल गया, और जिससे कि 7 कॉन्टिनेंट बन गए, 7 कॉन्टिनेंट जी। अरे हाँ भूल गया मैं, सॉरी। पेंजिया जो था दो टुकड़े में बट गया, ऊपर कहा जाता था अंगारा लैंड जी, बिल्कुल मैं भूल गया था मतलब बताना भूल गया, गोंडवाना लैंड। हमारा जो ये पेनिनसुला प्लेटो जो पूरा नीचे का दिखता है ना, डेक्कन प्लेटो जो बताया हमने, डेक्कन प्लेटो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये सबसे पुरानी जमीन थी, और इसमें कभी भी ज्यादा कुछ ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब धरती के अंदर कोई ज्यादा हलचल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आता। आज यही तक क्लास, आज क्लास कल, सारे 9th क्लास घर जा सकते हैं।